हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया आपके लिए वर्कशीट नंबर 28। आज की वर्कशीट रहेगी क्लास 10th के लिए और हमारा टॉपिक रहेगा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें विदेशी व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में हमसे पूछा गया है। ठीक है बच्चों, आज की डेट है 8 सितंबर 2020 और ये सब्जेक्ट रहेगा हमारा सोशल साइंस, जिसका ये अर्थशास्त्र से ये टॉपिक लिया गया है। चलिए बच्चों, अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है बच्चों, 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन देशों की सीमाओं के अंदर ही होता था। आगे क्या लिखा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब क्या हुआ कि भाई जो दूसरे देशों की कंपनियां होती हैं उनको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। ठीक है, तो उससे पहले मैं बताया कि 20वीं शताब्दी के जो टाइम था उसमें हमारे मतलब देश के अंदर ही वस्तुओं का उत्पादन होता था, हम दूसरे देश में जाकर के उत्पादन नहीं करते थे अपनी वस्तुओं का। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के आने के बाद क्या हुआ देखते हैं। एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण किसका होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का। कि भाई बहुराष्ट्रीय कंपनी वो कंपनी है जो ये अपने देश में तो उत्पादन करती करती है, दूसरे देश में भी जाकर के उत्पादन करती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, स्वामित्व रखने वाली कंपनी होती है, ये उत्पादन करती है और स्वामित्व भी होता है इन कंपनियों का जिस देश में ये उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, परिदृश्य पर आने के पूर्व भारत जैसे देशों से कच्चा माल, खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात किया जाता था। कि भाई भारत से कच्चा माल का जो क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था और तैयार माल को आयात किया जाता था। ठीक है, ये एग्जाम्पल बताया इन्होंने कि भारत जैसे देशों से कच्चा माल, खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात किया जाता था। भारत से वस्तुएं बाहर जाती थी और बाहर से वस्तुएं भारत में आती थी, आयात होता है। आयात किसको कहा जाता है, कि दूसरी कंट्री से, ये भारत है, ठीक है, ये अमेरिका है। भाई भारत से अगर अमेरिका में जाएगी चीज़ें तो इसको कहा जाता है निर्यात। ठीक है बच्चों, अगर भारत से भारत में कोई वस्तु आती है तो उसको कहा जाएगा आयात। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे क्या लिखा है, उत्पादन लागत कम करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी उन देशों में कार्यालय एवं उत्पादन के लिए कारखाना स्थापित करती है। कि भाई उत्पादन की लागत कम आए और लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो ये अपने ऑफिस उन देशों में खोल लेते थे। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि भाई उन्हें यहाँ पे सस्ता श्रम और साधन मिल जाते थे। आगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन वैश्विक स्तर पर कर रही होती है। कि भाई बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो दूसरी कंट्रीज में भी सप्लाई किया जा सके। जिस जैसे हमारी अमेरिका की कंपनी है, ये अमेरिका है, ठीक है, ये इंडिया में आकर के अपनी कंपनी स्टेप सेटअप करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक प्लांट लगाता है जिसमें ये इंडिया को भी सप्लाई करेगा और बाहर दूसरे कंट्रीज में भी ये सप्लाई करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है, भूमि भवन मशीन एवं अन्य उपकरण की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को क्या कहा जाता है, निवेश कहा जाता है। जब यही निवेश दूसरे देश की कंपनियां हमारे देश में आकर के करने लग जाए उसको कहा जाता है विदेशी निवेश। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, स्थानीय कंपनी के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद के बहुराष्ट्रीय कंपनी दूरस्थ स्थानों पर उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा लेती है। ठीक है बच्चों, कि भाई बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है हमारे देश में आकर के हमारे देश की छोटी छोटी कंपनियों से कंपटीशन करती है और उनको आकर के खरीद लेती है। ठीक है, और अपना यहाँ पे प्रभाव जमा लेती है। आगे देखते हैं, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। ठीक है, कि भाई विदेशी व्यापार से ही हम एक दूसरे देश को दूसरे देश से जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है, व्यापारिक हित के कारण ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई थी। भाई व्यापार करने के लिए ही भारत में कौन सी कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो जिसको हम अंग्रेज की कंपनी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, वास्तव में विदेशी व्यापार अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादन को एक अवसर प्रदान करता है। कि भाई विदेशी व्यापार का जो है उसका मतलब क्या होता है, कि भाई
अपने देश के बाजार से हम दूसरे देश के बाजार में जा करके अपनी वस्तुओं को बेचते हैं, जिसको कहा जाता है विदेशी व्यापार। ठीक है, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के व्यापारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायता करता है। ठीक है, कि भाई विदेशी व्यापार ही हमें दूसरे देश से जोड़ता है या एकीकरण में हमें सहायता करता है। तो चलिए बच्चों, अब हम एक केस स्टडी देखते हैं कि भाई बाहर की कंपनी किस तरह से हमारे देश में आई और उन्होंने बिजनेस किया। देखते हैं, होंडा कंपनी जो 19 जनवरी 1984 में गुड़गांव में हरियाणा में हीरो समूह के संस्थापक ब्रजमोहन लाल मुंजाल के साथ मिलकर हीरो होंडा कंपनी की स्थापना करती हैं। कि भाई होंडा कंपनी जो है 19 जनवरी 1984 में गुड़गांव में, जो कहां पर है, हरियाणा में है, ये हीरो के साथ मिलकर के, हीरो के संस्थापक थे ब्रजमोहन लाल मुंजाल, इनके साथ मिलकर के कंपनी की स्थापना करते हैं, जिसको कहा गया है हीरो होंडा कंपनी, जो आपने नाम भी सुना होगा इसका। ठीक है बच्चों, ये जो होंडा कंपनी है ये जापान की कंपनी है और हीरो समूह ये हमारी इंडिया की कंपनी है। ठीक है, तो जापान से आकर के ये इंडिया में अपना सेटअप लगा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर इस कंपनी की शुरुआत करती हैं। कि भाई ये दोनों मिलकर के कंपनी की शुरुआत करते हैं जिसमें पैसा लगता है 2.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2010 में कंपनी ने करीब 45 लाख दुपहिया वाहन भारत में बेचे, जो भारत के तेजी से बढ़ते हुए बाजार का करीब 48% था। कि भारत का जो बाजार बढ़ रहा था उसमें से 45 लाख दुपहिया वाहन इन कंपनी ने बेचे थे। ठीक है, जिससे हमारे भारत का जो मार्केट है वो ग्रो कर रही थी। आगे देखते हैं क्या लिखा है। 2014 में होंडा ने अपने शेयर हीरो समूह को बेच दी। कि भाई 2014 में होंडा जो कंपनी है हीरो से अलग हो गई थी। ठीक है, तो इन्होंने सारे के सारे शेयर अपने किसको बेच दिए, हीरो को बेच दिए। तो हीरो और होंडा अब यहाँ से दोनों अलग अलग कंपनी बन गई थी। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर क्या दिए गए हैं हमें। कि भाई अतीत में व्यापार को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या रहा था। अभी हमने पढ़ा मुख्य माध्यम क्या है, व्यापार। ठीक है बच्चों, अतीत में एक देश दूसरे देश से कैसे जुड़ता है, व्यापार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में क्या अंतर है। तो इसका आंसर हम देखेंगे बच्चों ऊपर से। यहाँ पर हमें दिया है विदेशी व्यापार और यहाँ पर हमें दिया है विदेशी निवेश, तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है बच्चे, विदेशी व्यापार का हम आंसर कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे। यहाँ से लेकर विदेशी व्यापार, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और विदेशी निवेश यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी से अभिप्राय, कि भाई बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है। ठीक है, भारत में किन्हीं 2 बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम लिखिए और इन कंपनी के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन बताइए कौन सी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी वो है जो विदेशी कंपनी होती है। ठीक, दूसरे देश की कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। देखिए इसके ऊपर आंसर दिया गया है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, जो एक से अधिक देशों में उत्पादन और नियंत्रण पर स्वामित्व रखने वाली कंपनी होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो उसका आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम ये लिखेंगे। और एग्जाम्पल इसके होंगे, एग्जाम्पल हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि IBM। ये IBM क्या है, कंपनी है बहुराष्ट्रीय कंपनी, और ये क्या बनाती है, कंप्यूटर। ठीक है बच्चों, ये कंप्यूटर बनाती है। दूसरी कंपनी हम देख लेते हैं इस पर, दूसरी कंपनी हम लिख लेंगे भाई, जैसे कि नेस्ले। नेस्ले का नाम सुना होगा आपने, ये क्या बनाती है, चॉकलेट। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा विकासशील देशों में कारखानों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। कि भाई बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है भाई छोटे छोटे देशों में कंपनियां क्यों स्थापित करती हैं, क्यों देखते हैं अभी क्यों स्थापित करती हैं। क्योंकि भाई उत्पादन की लागत कम और अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी उन देशों में कार्यालय और उत्पादन का, यहां से इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये वर्कशीट यहां पर कंप्लीट होती है। कैसी लगी हमारी वर्कशीट का सॉल्यूशन, पसंद आया तो मेरी वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।